हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोली की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी गोलियां। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इमली ली है, ये 100 ग्राम के करीब मैंने इमली ली है। इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इस तरह से इसके सीड्स और ये रेशे जो थे धागे, ये मैंने निकाल लिए हैं। तो इस तरह से साफ़ करके हमें इमली लेनी है इमली की चटपटी गोली बनाने के लिए। और ये फ्रेंड्स मैंने लिया है 150 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। गुड़ मैं थोड़ा इमली से ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि खट्टी मीठी गोली बनेगी इमली की, तो उसमें गुड़ हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, एक चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें जीरा पाउडर, एक चम्मच ही मैं इसमें लूँगी काला नमक और 1/4 टीस्पून मैं इसमें सादा नमक ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। इसका फ्लेवर भी गोली में बहुत अच्छा आता है। और ये एक चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। और ये मैंने पाउडर शुगर लिया है क्योंकि बाद में गोली की जो कोटिंग करनी है वो हमें पाउडर शुगर से ही करनी है। और ये थोड़ा सा हमें पानी भी चाहिए, पानी का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं खट्टी मीठी इमली की गोली। सबसे पहले मैं इमली को ग्राइंडर जार में पीस लूँगी, जितनी हमसे पीसी जाएगी उतनी हम पीस लेंगे इसे अच्छी तरह से। और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं हमने डालनी, बस इसी तरह से हमने इसको मिक्सी में पीसना है, ग्राइंडिंग जार में हमें इसे पीसना है। मैं सबसे पहले इसको ग्राइंडिंग जार में डाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। एक एक दो दो सेकेंड के लिए हमने इसको चलाना है, लगातार इसको हमने नहीं चलाना। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मिक्सी में इमली को पीस लिया है, बस जितनी हमसे इमली पीसी जाएगी हम उसके हिसाब से इमली को पीस लेंगे। एक मैंने इधर पैन रख दिया है, नॉन स्टिक पैन हम यूज़ करेंगे। तो अब इसमें मैं एक चम्मच के करीब देसी घी डाल दूँगी, उसे अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें मैं सारा गुड़ डाल दूंगा। गुड़ को हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, फ्लेम हमने स्लो ही रखनी है। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ये जो हम इमली की गोली बनाएंगे, गोलियां बना रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद एक या दो गोली अगर हम इसकी खा लेते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकता है। आप इस तरह से घर पर इमली की गोलियां जरूर बना के रखें। ये देखिए घी का गुड़ हमारा काफ़ी मेल्ट हो चुका है, बस हमें स्लो फ्लेम पर ही इसको इस तरह से चलाते रहना है। फ्लेम इसकी हमने हाई बिल्कुल नहीं करनी, अगर हाई फ्लेम हो गई तो ये गुड़ जल जाएगा। ये देखिए हमारी गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस मेल्ट ही करना है। ये
ये देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब एक चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो गुड़ थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। फ्लेम अभी भी हमारी स्लो ही है, फ्लेम हमें लास्ट तक स्लो ही रखनी है। जो हमने एक चम्मच के करीब इसमें पानी डाला है वो पानी हमारा इसमें सूख जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम सभी मसाले मिक्स कर देंगे। ये चम्मच मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दी है, पिंच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और एक चम्मच के करीब मैं इसमें काला नमक डाल दिया और एक पिंच के करीब ही मैंने इसमें सादा नमक डाला है और जीरा एक चम्मच के करीब लिया है मैंने। सभी मसाले इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। अब हम इसमें इमली मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इमली हमने मिक्स कर दी है इसमें। अब इमली को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स करके पकाएंगे। इमली हमारी गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। ग्राइंडिंग जार में जितनी भी हमारी इमली अच्छी तरह से पीस सकती है हम पीस लेंगे। बाकी गुड़ में मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हमें इसे अच्छी तरह से गुड़ को और इमली को मिक्स कर देना है। ये देखिए और फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो रहनी चाहिए। इमली की खट्टी मीठी गोलियां बनाने के लिए हमें नॉन स्टिक पैन ही लेना है। इसमें हमारा गुड़ बिल्कुल नहीं चिपकता। ये देखिए काफी हद तक हमारी इमली और गुड़ मिक्स हो चुके हैं। अगर इमली के चंक्स हमारे मुंह में थोड़े बहुत आएंगे तो वो और भी ज्यादा टेस्ट को बढ़ा देते हैं। बस हमने इसे और से और ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसकी बाद में गोलियाँ बनाएंगे। मैं इसको ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। ये
ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ठंडा हो चुका है, अभी ये और थोड़ा ठंडा होगा क्योंकि अभी हल्का सा गर्म है। ये देखिए इसको मैं ठंडा करके बिल्कुल एक प्लेट में निकाल दूंगी, फिर हम इसकी गोलियां बनाएंगे। क्योंकि गुड़ को थोड़ा समय लगता है ठंडा होने में, गुड़ एक बार जब गर्म हो जाता है तो काफ़ी देर बाद वो ठंडा होता है। ये देखिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा प्लेट में निकाल लिया है और इसके इस प्लेट पे मैंने शुगर पाउडर डाल दिया है। ये देखिए कितनी आसानी से नॉनस्टिक पैन से सारा इमली का पल्प निकल गया है। अब हम थोड़ा सा हाथ पे देसी घी लगा लेंगे और इसकी बनाएंगे गोलियाँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा ये गर्म है पर हमारी गोलियाँ अभी आराम से इसके साथ बन सकती हैं। ये देखिए हमें बचपन की याद आ गई है, जिस तरह से बचपन में हम इमली की गोलियाँ खाते थे स्कूल से आते फिर कॉलेज से आते हुए, और उसमें इमली के रेशे भी होते थे, धागे भी होते थे और हम उसे मज़े मज़े से खाते थे, बिल्कुल वही चीज़ ये भी बन गई है। इसमें बस मैंने थोड़े से इमली के चंक्स रखे हैं ताकि मुंह में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं सारी गोलियां बना लूँगी। ये लीजिए फ्रेंड्स सभी इमली के गोले तैयार हैं। ये देखिए इस तरह से हम सभी इमली के गोले बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये गोले बने हैं। आप भी इस तरह से प्लीज़ बना के एक बारी देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है आपके लिए इमली की खट्टी मीठी गोलियाँ। आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा जिस तरह से मुझे अपना बचपन याद आ गया है। जब भी इमली की गोलियाँ बेचने के लिए हॉकर्स आते थे तो हम भागे जाते थे इमली की खट्टी मीठी गोलियाँ खरीदने के लिए, तो आज हम अपने घर पर ही बना रहे हैं। आप भी इस तरह से प्लीज़ अपने घर पर ज़रूर बनाइए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।